नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं देश और दुनिया के बाजार पर न्यूज प्लस 21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल। 100 पॉइंट्स बढ़कर सेंसेक्स 61,320 पर, एचसीएल टेक 6% टूटा, मार्केट कैप 279 लाख करोड़ के पार। फेसबुक के खिलाफ केस दर्ज, 4.4 करोड़ यूजर के प्राइवेट डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। कोरोना की तीसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर, कैट ने कहा देश भर में पिछले 15 दिनों में 50% से ज्यादा व्यापार गिरा। 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने को तैयार, 2022 में इनकी संख्या होगी 100 के पार। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इतिहास रचने के लिए तैयार, मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के करीब। सिटी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने पाबंदियां 16 अप्रैल तक बढ़ाई। दूध दही की बिक्री में आई गिरावट, कोरोना की वजह से 25% तक घटा बिजनेस। पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय को लगेगा समय, सरकार से हरी झंडी मिलने का है इंतजार। ईपीएफओ ने दूर की पेंशन भोगियों की टेंशन, महीना खत्म होने से पहले मिलेगा पेंशन। कोरोना संकट के बीच भारत में घट गई 84% परिवारों की आय, बड़ी अरबपतियों की संख्या। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।